हे गाइस, दिस इज नीलम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेल, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, वो क्वेश्चन तकरीबन हर पेरेंट्स के माइंड में रहता ही है कि क्या हम अपने बेबी को डेली डायपर पहना सकते हैं, क्या हम बेबी को पूरा दिन डायपर में रख सकते हैं, क्या ये सेफ है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेबी को दिन रात डायपर में रखना सेफ है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेबी को नैपी पहनाना ज्यादा सेफ है रादर देन डायपर, बट मेन चीज है हाइजीन। अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं तो आप अपने बेबी को डायपर से बचा सकेंगे। फिर चाहे आप अपने बेबी को नैपी पहना रहे हो या फिर डायपर, ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। आइए जान लेते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहली चीज है कि किसी अच्छे ब्रांड के डायपर पर ही इन्वेस्ट करना। आजकल मार्केट में इतने सारे ब्रांड के डायपर अवेलेबल हैं, हम कभी किसी के रिकमेंडेशन पे या कभी केमिस्ट के रिकमेंडेशन पे या एड देख के हम कोई से भी ब्रांड का डायपर परचेज कर लेते हैं, जो कभी कभी सही नहीं होता है बेबी के लिए। जेल बेस्ड डायपर सबसे अच्छे होते हैं। मैनी पोको पैंट्स एंड पैम्पर सबसे अच्छे डायपर होते हैं, मैं यही दोनों यूज़ करती हूँ। हगीज भी है, वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट मैं पैम्पर और मैनी पोको पैंट्स ही यूज़ करती आ रही हूँ अब तक, तो ये काफ़ी अच्छे ब्रांड के डायपर हैं। तो अगर आपने कभी कोई नया सा ब्रांड परचेस कर भी लिया है तो आप जो है उसको चेक करिए कि उसकी सोकिंग पावर कितनी है, कितने कितने टाइम में चेंज करना पड़ रहा है, कहीं वो लीक तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो आप अपना ब्रांड चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि किसी अच्छे ब्रांड के डायपर पर ही इन्वेस्ट करें। चीज़ जो है वो है हाइजीन मेंटेन करना। बेबी का जो जेनिटल एरिया होता है वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर चाहे आप डायपर पहना रहे हो बेबी को या फिर आप नैपी पहना रहे हो, बट हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी 3 आवर्स में बेबी का डायपर बदलना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। बट कुछ बच्चे जो है वो ज़्यादा पी करते हैं, उस केस में 2 आवर्स में बेबी का डायपर चेंज करना चाहिए। बेबी का ज़्यादा पी करना अच्छा माना जाता है, ये एक बेबी की अच्छी हेल्थ का इंडिकेटर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका बेबी कितने टाइम में पी कर रहा है और कितने टाइम में आपको अपने बेबी का डायपर चेंज करना पड़ रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने बेबी के उस एरिया को किस तरह से क्लीन कर रहे हो। सबसे नेचुरल तरीका ये होता है कि आप पानी ले लीजिए और आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और पानी से हल्का सा वॉश करके कॉटन के कपड़े से हल्का सा पोंछ दीजिए और उसे खुला छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट के लिए हवा में खुला छोड़ दीजिए। एयर जो होती है वो नेचुरल तरीके से स्किन को रिपेयर करती है, तो आप जो है 5 से 10 मिनट तक जो है उसको खुला छोड़ दीजिए और उसके बाद कोई डायपर रैश क्रीम या फिर कोई कोकोनट ऑयल लगा के उसके बाद आप जो भी पहना रहे हो, नैपी पहना रहे हो या डायपर पहना रहे हो, वो फिर आप उसको पहना सकते हैं। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि डायपर रैश क्रीम तो तब लगाई जाती है कि जब रैश हो जाता है, बट डायपर रैश क्रीम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि ये रैश को अवॉइड करती है, ये एक लेयर बना देती है इन बिटवीन बेबी की स्किन और डायपर के बीच में। तो बेबी जब भी पी करता है तो पी दोबारा से वापस नहीं आ पाता है, वो जो लेयर है इन बिटवीन बेबी की स्किन और डायपर के बीच में, वो लेयर वो पी को वहीं रोक देती है और इस तरह से जो है बेबी को रैश नहीं हो पाता है। तो इसलिए बेबी का जो है क्लीन करने के बाद थोड़ी देर 5 से 10 मिनट हवा में खुला छोड़ने के बाद आप जो है डायपर रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल लगाइए और उसके बाद जो है आप बेबी को डायपर या नैपी पहना दीजिए। थर्ड चीज़ ये है कि आप जिस भी ब्रांड का डायपर लेके आ रहे हो और जो भी साइज़ आप खरीदते हो उससे एक साइज बड़ा ही खरीदिए। आमतौर पे कैसे होता है कि क्योंकि बच्चा जो होता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है और अगर आप जो है उसको टाइट सा डायपर पहनाएंगे तो उसको एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे भागते दौड़ते खेलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं और जो टाइट डायपर अगर बच्चे ने पहना है तो वो कहीं ना कहीं उसको इरिटेट करता है। इस रीज़न से भी बच्चे रोते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा
इस रीजन से भी रो सकता है, तो आप जो है बच्चे के लिए डायपर जब भी परचेज कर रहे हैं तो एक साइज बड़ा ही खरीदिए, और जिससे जो है बेबी जो है थोड़ा सा फ्री फील करे और अच्छे से एक्टिविटी भी करे और उसको कुछ प्रॉब्लम भी ना हो। तो फोर्थ चीज़ ये है कि अगर बेबी को रैश हो गया है तो उस केस में डायपर बिल्कुल हटा दीजिए, जब तक बेबी का रैश ठीक नहीं हो जाता है उस एरिया को पानी से क्लीन करिए और बेबी को क्लॉथ वाले जो लोअर होते हैं वो पहना दीजिए। उस एरिया पे पाउडर बिल्कुल भी मत डालिए क्योंकि पाउडर स्किन को ख़राब कर देते हैं। तो रैश को ठीक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उस एरिया को क्लीन करके हवा में खुला छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा स्किन हवा के कांटेक्ट में आएगा उतनी ही जल्दी बेबी का रैश ठीक होगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जो भी रैश क्रीम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी का रैश क्रीम होना चाहिए। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज कोकोनट ऑयल 100% नेचुरल होता है और इसमें ये एंटी बैक्टीरियल होता है और इसमें बहुत अच्छी कूलिंग होती है और ये जितनी भी स्किन की इरिटेशन होती है वो उनको अवॉइड करता है, तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप रैश क्रीम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिए कि रैश क्रीम जिंक ऑक्साइड बेस्ड होनी चाहिए बिकॉज जिंक ऑक्साइड बेस्ड रैश क्रीम रैश को अवॉइड करने में हेल्प करती है। तो एक अच्छी कंपनी का एक अच्छी ब्रांड के रैश क्रीम पर ही आप इन्वेस्ट। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नैपी पहनाना बेबी के लिए ज़्यादा सेफ होता है डायपर पहनाने से, बट डायपर के अपने बेनिफिट्स होते हैं, मुझे नैपी का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता है। नैपी में बेबी को बार बार चेक करना पड़ता है कि बेबी ने पी तो नहीं कर दिया है, और अगर कर दिया है तो फिर चेंज करो, बट डायपर में ऐसा नहीं है। डायपर में 2 से 3 घंटे तक आप फ्री रह सकते हो एंड नैपी में जो होता है बेबी ने थोड़ा सा भी एक ड्रॉप भी पी किया है तो आप उसको चेंज करो, पर डायपर में ऐसा नहीं है। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है कि बेबी को चेक करना है, उसकी नैपी चेंज करनी है, और इतनी देर में बेबी जो होता है वो पी कर देता है और इतनी देर में बेबी गीले में ही रहता है। इससे बेबी को इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है और ठंड लगने का भी जो होते हैं चांसेस बढ़ जाते हैं, पर डायपर में ऐसा नहीं है। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं जाके डायपर ज़्यादा सेफ होते हैं बेबी। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए अगर पेरेंट्स उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डायपर रैश को अवॉइड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप पेरेंट्स के लिए यूजफुल हो। अगर कोई क्वेरी है आपको इससे रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।